एक एस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों किसी भी फोन का कैमरा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैमरा, सेंसर, प्रोसेसर और ऑप्टिमाइजेशन। जितना ताकतवर प्रोसेसर होगा उतनी बेटर कैमरा क्वालिटी मिल सकती है। एनीवे इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स बताऊंगा अंडर ₹20,000। इस टाइम पर आने वाले बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं इन दिस प्राइस सेगमेंट, जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल फ्लैगशिप कैमरा मिलता है, OIS का सपोर्ट होगा, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 778G पावरफुल 5G CPU, 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 6000mAh की बिग बैटरी विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की, जो आता है मेरी लिस्ट में OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE3 Lite 5G। मिड रेंज सेगमेंट में अगर आप OnePlus को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यहाँ पर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू और ऑक्सीजन OS का यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर 6.72 इंच का फुल HD+IPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आप HDR कंटेंट नहीं कर सकते, ना ही 4K कंटेंट ये सपोर्ट करता है। इसमें आपको 8 बिट का पैनल दिया गया है, जनरली इस सेगमेंट में 10 बिट इजीली मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको डीसेंट टाइप की मिलेगी। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है विद ग्लॉसीनेस। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सैमसंग के HM6 लेंस के साथ आता है, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। साथ में 2 का डेप्थ और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा, बट इसमें अल्ट्रा वाइड और OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सडनली इसमें 4K सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें जो CPU है ना, ये 4K वीडियो के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो कैमरा क्वालिटी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल जाएगी, ज्यादा हैवी एक्सपेक्ट मत करना। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695, जो कि 5G कैपेबल है, 6nm पर बेस्ड है, काफी पावर एफिशिएंट है। गेमिंग आप यहां से प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट कर सकते हो, बिकॉज मिड रेंज के अंदर ये अच्छा खासा परफॉर्म करता है, गेमिंग भी तगड़ी कराता है, बट 20,000 में ये फिलहाल जस्टिफाई नहीं है, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट इन द बॉक्स 80W का चार्जर मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर्स और 8GB तक वर्चुअली रैम भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 19,999, ₹20,000 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जस्ट लॉन्च किया गया है और ये 20,000 के सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फोन है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 1000 निट्स ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है। वैसे भी सैमसंग का डिस्प्ले बेस्ट होता है, बाकी स्मार्टफोन्स के कंपेयर काफी पंची और एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसीनेस। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, जो कि सैमसंग के JN5 लेंस के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी दी बेस्ट मिलेगी, नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1280, जो कि 5G कैपेबल है ऑलरेडी, ओनली 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। सेम चिपसेट आपको गैलेक्सी M33 5G में भी मिलता है, डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि One UI 5.1 के कोर वर्जन पर बेस्ड है। इसमें आपको 6000mAh की मोस्टर बैटरी मिल जाती है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, नॉक्स सिक्योरिटी और सिंगल स्पीकर मिलेगा। और ये इकलौता फोन है अंडर 20 के जिसमें 4 ईयर्स OS अपडेट्स और 5 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 18,999, सिर्फ ₹19,000 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है आइको की तरफ से, आइको G7 5G। ये फिलहाल अमेजोन पर अनअवेलेबल है, बट आप इस फोन को फ्लिपकार्ट या फिर आइको के ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलती है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें HDR10+ सपोर्ट, 1300Hz ब्राइटनेस और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास मिलेगी, बट 120Hz होता तो ज्यादा बेटर होता। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें डुअल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 64MP का दिया गया है विद OIS और साथ में 2 का डेप्थ लेंस मिलता है। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये अंडर 20 के इकलौता फोन था जो OIS और 4K दोनों के सपोर्ट के साथ आता है। वीडियो के अंदर ये OIS और EIS दोनों को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको फोटोज और वीडियोस क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 920 जो कि 12 5G सपोर्टेड है, ओनली 6 NM पर बेस्ड है। गेमिंग आप यहाँ से अच्छी खासी कर पाओगे, मतलब 20,000 के सेगमेंट में तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। इस फोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 18999। 19,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X5 Pro 5G। ये एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, ऑलमोस्ट स्पेक्स जबरदस्त मिल जाते हैं। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। इसके अलावा HDR10+ सपोर्ट, डॉल्बी विजन, 1920Hz PWM डिमिंग और ये 10 bit का डिस्प्ले है। 1 billion कलर्स मिलते हैं। डिस्प्ले एकदम टॉप क्लास दिया गया है, नो डाउट। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश और ये भी बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 108MP का दिया गया है सैमसंग के HM2 सेंसर के साथ, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें OIS नहीं मिलता है। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G जो कि 5G कैपेबल है, 6 NM पर आता है। 20,000 में ये बहुत ही बढ़िया CPU है, हालांकि थोड़ा सा पुराना है, बट गेमिंग टॉप नॉच कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर्स और IP53 की रेटिंग भी मिलती है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 20999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 19,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme 10 Pro Plus 5G। इसमें प्रीमियम डिस्प्ले दिया गया है और कैमरा क्वालिटी भी टॉप नॉच मिलती है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। इसके अंदर 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें HDR 10 प्लस सपोर्ट, 10 bit पैनल और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। ये दोस्तों 2-shot कप्ड पैनल है, तो डिस्प्ले प्रीमियम दिया गया है, क्वालिटी शानदार मिलेगी। रियर साइड में कार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 108MP का दिया गया है, अगेन सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से अगेन 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 1080 जो कि 5G सपोर्टेड है, ओनली 6 NM पर बेस्ड है। गेमिंग आप यहां से टॉप नॉच कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 22999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 22,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप कैमरा फोन अंडर 20 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।